लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल आर नाइन भारत। शाजापुर जिले के जनपद पंचायत काली पीपल के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बकायन में 55 वर्षीय हाजी यूनुस बैग नहाते समय तालाब में डूब गया था, जिसको ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद भी सफलता हाथ नहीं मिली थी। वहीं डूबने के बाद करीब समय 12 घंटे के बाद व्यक्ति की बॉडी मिली है। वहीं SDRF टीम की भी काफी लापरवाही सामने आई है। ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला। समय 4 बजे सूचना देने पर भी करीब शाम के 8 बजे मौके पर पहुंची है। R9 भारत के लिए शाजापुर काली पीपल से अंसार खान की रिपोर्ट। जनपद पंचायत काला पीपल की ग्राम पंचायत बकायन के अंदर एक बड़े तालाब के नाम से एक तालाब जाना जाता है, उसमें 55 वर्षीय यूनुस खान जी क्योंकि प्लास्टिक का टब निकालने के कारण वो उसके अंदर डूब चुके हैं। अभी तक NDRF की टीम यहाँ पर पहुंची नहीं। करीब 3:30 बजे का समय है, उन्हें डूबे 4 बजे की समथिंग NDRF की टीम को फोन लगा दिया गया है। अभी तक 7 बच चुके हैं। ग्रामीण काफी आक्रोश में है, कम से कम 10 घंटे होने जा रहा है, काफी आक्रोश में है। अभी तक NDRF की टीम पहुंची नहीं, अभी बोल रहा है कि 1-2 घंटे और लगेंगे। तो अब कुछ ग्रामीण यहाँ पर उनसे हम बात करते हैं, क्या है जानकारी पूरी, क्या है पूरी जानकारी। NDRF टीम को 4 बजे का कॉल कर दिया गया है, वो अभी तक यहाँ मौके पर मौजूद नहीं है। थाना प्रभारी ये सब मौजूद थे यहाँ पे और NDRF टीम के द्वारा काफी लापरवाही बरती गई। कितनी गहराई है, पानी कितना है यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम जहाँ पे लाश का हमको अनुमान है वहाँ पे 30 से 35 फीट गहराई बताई जा रही है और अन्य ग्रामीण है उनसे भी बात की जा रही है। तो ग्रामीणों द्वारा इसमें कोई प्रयास किया था निकालने का उसमें? हाँ, ग्रामीणों ने 3:30 बजे के लगे हुए थे, ग्रामीणों से इसमें बिल्कुल पस्त होकर बाहर निकल गए, लेकिन लाश का पता नहीं। अभी NDRF टीम कहाँ पे बता रही है आपकी कोई? NDRF टीम से मेरी अभी बात हुई है, वो भान्याखेड़ी जोड़ बता रहे हैं। कितना समय लगेगा यहाँ पर आने में? अभी सवा घंटा बता रहे हैं। चलिए, क्या मामला हुआ था जो पूरा जो पानी में जो डूबे तालाब के अंदर, उसकी जानकारी पूरी? तालाब में वो नहाने के लिए गए थे, जब उस समय वो तीरने में थक गए, उनके पास कोई सामान था उसको निकालने का प्रयास करा तो उसमें वो थकने में फिर डूब गए। अब डूबने के बाद हम लोगों ने ग्रामीणों सब ने मिलकर कहा कि अपन NDRF टीम को अवगत कराएं, थाने को भी अवगत कराया, तो वो भी पूरा डिपार्ट पहुँच गया तालाब के ऊपर। तहसीलदार साहब को बताया तो वो फोन भी बात करते रहे कि नहीं अब समय नहीं बचा है और रात का समय है, हम लोग नहीं आ पाएंगे। तो यही समस्या रही ग्रामीणों की, अभी तक कोई लापरवाही है, वो भी नहीं आ पा रहा है। NDRF की टीम को इतना समय क्यों लग रहा है आने में, अभी तक क्यों नहीं आई? करीब 7:30 बज चुके हैं, 3:30 बजे की डेट है। लोग तो यहाँ से बार बार फोन पर बात कर रहा हूँ उनसे, अब वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं, कोई भी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं। आपने कोई जनप्रतिनिधि विधायक वगैरह किसी को कॉल किया है क्या? विधायक जी को भी करा हमने। विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया? क्या बोला विधायक जी? विधायक जी बोला 1-2 घंटे बाद आएगी टीम, लगभग 4 घंटे का समय हो चुका है अभी तक टीम नहीं आई। टीम नहीं आई, विधायक जी ने 1 घंटे का बोला था। हाँ, 1 घंटे बोला था।